सामान्य हिंदी व्याकरण एक सफर में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज का हमारा अध्याय है स्वर, जिसमें हम स्वरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। यदि आप पिछले अध्यायों से परिचित नहीं हुए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिससे आप उन सभी से परिचित हो सकते हैं। और आप सभी से अपेक्षा रहेगी कि आप इस अध्याय और इस सफर के अंत तक बने रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से हो, ऐसे वर्ण स्वर कहलाते हैं। वर्णों के बारे में हम पिछले अध्याय में परिचित हो चुके हैं। कुछ वर्ण ऐसे हैं जो स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी बाधा के बोले जाते हैं, जबकि कुछ वर्ण ऐसे हैं जो अन्य वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। तो स्वतंत्रता पूर्वक बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। ए, आ, ई, ई, ओ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये कुल 11 स्वर है। याद रखिए री, री जो स्वर है उसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है। तत्सम शब्द ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, और इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे आगे आने वाले अध्याय। आइए अब पढ़ते हैं स्वरों का वर्गीकरण, यानी स्वरों के भेद। अलग अलग आधारों के अनुसार स्वरों को भिन्न भिन्न रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं। तो मुख्यतः ऐसे 3 भेद हैं, जो इस प्रकार है। ऋषु स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा प्लुत स्वर। आइए अब इन तीनों स्वरों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है ऋषु स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, यानी जिनको बोलते समय बहुत ही कम समय लगता है, ऐसे स्वर ऋषु स्वर कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, ए, ई, उ और रे, ये 4 स्वर ऋषु स्वर कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में एक मात्रा का ही समय लगता है। अगला है दीर्घ स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसके उदाहरण है ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। अगला है प्लुत स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक का समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, ओम जो शब्द है उसमें आने वाले उ वर्ण का उच्चारण करने में 2 मात्रा से अधिक का समय लगता है, क्योंकि यह ओम बोला जाता है। स्वरों का अगला वर्गीकरण जीवा के प्रयोग के आधार पर है। अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर। आइए इन तीनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है अग्र स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण जीवा के अग्र भाग यानी अगले भाग के सहयोग से होता है, ऐसे स्वर अग्र स्वर कहलाते हैं। इसके उदाहरण है ई, ई, ए, ये 4 स्वर जीवा के अगले भाग से बोले जाते हैं। यदि आप इन सभी का उच्चारण करते हैं तो आप पाएंगे कि जीवा का अगला हिस्सा ही प्रयोग में लाया जा रहा है, इसीलिए इन्हें अग्र स्वर कहा जाता है। अगला है मध्य स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण जीवा के मध्य भाग यानी बीच वाले हिस्से के सहयोग से होता है, ऐसे स्वर मध्य स्वर कहलाते हैं। इसका एक ही उदाहरण है ए। ए को बोलते समय जीवा का बीच वाला हिस्सा ही प्रयोग में लाया जाता है। अगला है पश्च स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण जीवा के पिछले भाग के सहयोग से होता है, पश्च मतलब पिछला, तो ऐसे स्वर पश्च स्वर कहलाते हैं। इसके उदाहरण है आ, उ, उ, ओ, औ, औ, ये सभी पश्च स्वरों के उदाहरण हैं। स्वरों का अगला वर्गीकरण है ओष्ठ यानी होठों की स्थिति के आधार पर, जो इस प्रकार है। पहला अवृतमुखी और दूसरा वृतमुखी। आइए अब इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है अवृतमुखी स्वर। वृत का मतलब है सर्कल। तो जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते, ऐसे स्वर अवृत स्वर, अवृतमुखी स्वर कहलाते हैं। इसके उदाहरण है आ, ई, ई, ए, ऐ।
आप इनका उच्चारण करते समय अनुभव करेंगे कि होठों की जो स्थिति है वो गोलाकार नहीं है, इसलिए ये स्वर अवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। अगला है वृत्तमुखी स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार हो जाते हैं यानी सर्कुलर शेप ले लेते हैं, ऐसे स्वर वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। इसके उदाहरण है उ, ओ, औ, आ। इन सभी का उच्चारण करते समय होंठ गोलाकार हो जाते हैं, इसीलिए यानी एक वृत्त की आकृति ले लेते हैं, इसलिए वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। स्वरों का अगला वर्गीकरण है उच्चारण में हवा के नाक और मुंह से निकलने के आधार पर। तो इस आधार पर स्वरों के दो भेद हैं, पहला है निम्नानुनासिक और दूसरा अनुनासिक। आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है निम्नानुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा बोलते समय केवल मुंह से बाहर निकलती है, केवल मुंह से यानी नाक का प्रयोग नहीं होता, ऐसे स्वर निम्नानुनासिक स्वर कहलाते हैं। इसके उदाहरण है ए, आ, ई। इन तीनों का उच्चारण करते समय आप पाएंगे कि हवा केवल मुंह से ही बाहर निकल रही है, नाक से बाहर नहीं निकल रही है, इसी कारण इन्हें निम्नानुनासिक स्वर कहा जाता है। अगला है अनुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है, ऐसे स्वर अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, यानी मुंह और नाक दोनों का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए अम और आह, इन दोनों का उच्चारण यदि आप करेंगे तो हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी बाहर आ रही है। अगर आप मुंह बंद कर लेते हैं तो इसका उच्चारण नहीं हो पाएगा, नाक को बंद कर लेते तो भी इसका उच्चारण नहीं हो पाएगा, दोनों को ही खुला रखना पड़ेगा तभी आप इसका उच्चारण कर पाएंगे, इसीलिए इन्हें अनुनासिक स्वर कहा जाता है। स्वरों का अगला वर्गीकरण है मुख द्वार के खुलने के आधार पर। इस आधार पर स्वरों के चार भेद हैं, पहला विवृत, दूसरा अर्ध विवृत, तीसरा अर्ध संवृत और चौथा संवृत। आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है विवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, ऐसे स्वर विवृत स्वर कहलाते हैं। इसका एक ही उदाहरण है आ। आ जब हम बोलते हैं तो मुख पूरा खुलता है, विवृत का मतलब है खुला हुआ होना। आपने अनुभव भी किया होगा जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो एक ही वर्ण आपको बोलने के लिए बोलते हैं, वो है आ, क्योंकि आ का उच्चारण करते समय मुख पूरा खुला होता है। अगला है अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत का मतलब है सेमी ओपन, आधा खुला हुआ। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार मुंह आधा खुलता है, ऐसे स्वर अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। इसके उदाहरण है ए, ऐ, औ। इन तीनों के उच्चारण में मुख पूरा ना खुल के आधा खुलता है। अगला है अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत का मतलब है सेमी क्लोज्ड यानी आधा बंद। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, ऐसे स्वर अर्ध संवृत कहलाते हैं। इसके दो ही उदाहरण हैं, पहला ऐ और दूसरा ओ। और अगला है संवृत स्वर। संवृत मतलब क्लोज्ड यानी बंद। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, अब पूरा पूर्ण रूप से यदि बंद रहे तो उच्चारण होगा ही नहीं, तो लगभग बंद ही रहता है, ऐसे स्वर संवृत स्वर कहलाते हैं। इसके उदाहरण है ई, ई, ऊ, ऊ। स्वरों का अगला वर्गीकरण है जाति के आधार पर, जिसमें स्वरों के दो भेद रखे गए हैं। पहला है सवर्ण या सजातीय और दूसरा है असवर्ण या विजातीय। आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है सवर्ण स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण समान स्थान से होते हैं यानी जिनका बोलने का स्थान उच्चारण का स्थान एक जैसा है, ऐसे स्वर सवर्ण या सजातीय कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए ए और आ, दोनों का उच्चारण स्थान एक ही है। इसी प्रकार ई और ई, इन दोनों का भी उच्चारण स्थान समान है, और ऊ और ऊ, इन दोनों का भी उच्चारण स्थान समान है। तो ये सभी
स वर्ण या स जातीय स्वर कहलाएंगे। अगला है अस वर्ण स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण स्थान समान नहीं होते, यानी एक जैसे नहीं होते, एक का उच्चारण स्थान अलग होता है, दूसरे का उच्चारण स्थान अलग होता है, ऐसे स्वर असवर्ण स्वर कहलाते हैं। इसके उदाहरण है ए, ई, ऊ, ऐ। इन चारों ही स्वरों का उच्चारण स्थान अलग अलग है, इसलिए ये सभी असवर्ण या असजातीय स्वर कहलाएंगे। तो आज के अध्याय में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले अध्याय में, जिसमें हम व्यंजन के बारे में विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।